मध्य प्रदेश की सरकार विकास कार्यों में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन निचले स्तर पर बैठे जिम्मेदार घटिया कार्य पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसी की एक बादगी झाबुआ जिले में देखने को मिली है, जहां ठेकेदार और नगर पालिका की मिलीभगत की वजह से निर्माणाधीन रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहा है। दरअसल झाबुआ की नगर पालिका द्वारा शहर के व्यस्त राजबाड़ा एरिया में डामर रोड का निर्माण बहुत ही घटिया तरीके से किया जा रहा है। नगर पालिका के इंजीनियर एवं ठेकेदार की मौजूदगी में पुराने रोड के ऊपर ही नया डामर बिछाया जा रहा है, जो कि गुणवत्ता पूर्वक नहीं हो रहा है। रहवासियों का कहना है कि बहुत ही पतली परत डामर की चढ़ाई जा रही है, जिससे रोड बहुत जल्दी उखड़ जाएगा। इसी के साथ ही नगर पालिका द्वारा जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं इस मामले में शहरवासियों का कहना है कि नगर परिषद और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते सड़क का घटिया निर्माण किया जा रहा है। समस्या नहीं, मुख्यमंत्री नल जल योजना का जो वाल डला हुआ है, हाँ, वो रोड से 1.5 फीट ऊपर डला हुआ है, जो कि रोड के बीचों बीच आ रहा है, जिससे कि 8 फीट रोड खत्म हो रहा है। हाँ। नगर पालिका, CMO और जनसुनवाई में भी आवेदन देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। अभी जो नया रोड बना रहे हो वो वाल यथावत है, तो ये रोड को ख़त्म करने की प्लानिंग है, या इन लोगों को ये वाल नीचे नहीं कर सकते। इनका कहना ऐसा है कि नीचे PHC की लाइन आ रही है, तो इन्होंने नई लाइन डाली है, तो PHC की लाइन के ऊपर लाइन क्यों डाली? पहले पूरे प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। अगर ये 2 फीट ऊपर है तो ये इनकी गलती है, जनता थोड़ी भोगेगी उसको। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इस वाल से, इस वाल को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए इनको रोड बनने से पहले। अब तो रोड बनेगा और फिर खोदेंगे इसको, ये फिर कमाई का एक जरिया ढूंढेंगे। किस किस को इस चीज़ से सर? हमारा मित्र है रविराज राठौर, इन्होंने जो है जन सुनवाई में 2 बार आवेदन लगाया इसका, और आवेदन पर जिसमें कहा गया कि रोड इतना ऊंचा बनेगा कि वाल रोड लेवल में आ जाएगा, तो रोड तो वर्तमान में 1.5 mm का बन रहा है, तो ये तो ऐसा कैसा 1 फीट ऊपर ही है। ये बता रहे 20 mm रोड बन रहा है, 20 mm हो तो जांच करो इसकी। अभी 20 mm इसकी तो DPR से जांच कराना चाहिए, 20 mm कहने से थोड़ी बन जाएगा। अच्छा भाई, DPR में क्या लिखा है? इसको ठेका दिया, ठेकेदार को दिया होगा ना मापदंड, कि इस मापदंड से रोड बनेगा, तो उसका उसकी जाँच करो, उसमें सब लिखा होगा। ये अपनी मर्जी से ठेकेदार कर नहीं सकता कोई काम, पर ठेकेदार को जो वर्क आर्डर दिया होगा उसमें सब लिखा होगा, कितना कोट है इसमें, कितना mm का कोट है, कितना डामर डालना है, कितना आयल डालना, सब मालूम होगा उसमें। तो ये उससे आप सीधी जो है CMO के पास भी होगी, ये काफी इंजीनियर के पास भी होगी, ठेकेदार के पास भी होगी। ये रोड पे सफाई भी नहीं कर रहे, धूल मिट्टी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये पूरे ये लिपापोती कर रहे हैं। इनका चुनाव आ रहे हैं पाछे, तो उनको जैसे तैसे करके और अपना उल्लू सीधा करना है। रोड का पैसा कहीं का पड़ा होगा, कहीं का कहीं डालना है और निकालना है इनको। बाकी इनकी कोई प्लानिंग नहीं है नगर को लेके, बगैर प्लानिंग के चाहे जहाँ कहीं भी ठोक देते हैं। आपका नाम? जितेंद्र सिंह राठौर। आपने ये इसके लिए कहाँ का आवेदन करा? इसके लिए जनसुनवाई में आवेदन दिया था, उसके बाद में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी मैंने इसका कंप्लेंट की थी। तब नगर पालिका के द्वारा वहाँ जवाब भी ये दिया गया कि ये रोड के लेवल को लेके बनाया गया, और जब इसको टेस्टिंग के लिए किया तो हर जगह कहीं पे भी भरने से पहले ये चेक नहीं किया गया है लाइन को, कि लाइन कहाँ से डैमेज है, कहाँ से क्या है। बस आए और भर दिया, उसके बाद में जैसे तैसे करके लिपापोती कर दी। लेकिन जिस दिन इस लाइन को टेस्ट किया गया, उस दिन जहाँ जहाँ ज्वाइंट थे पूरे झाबुआ में हर जगह से ज्वाइंट फूटे हुए, प्लस जहाँ पर टर्न दिए, एल्बो लगाए, टी लगाई है, उन एल्बो को और टी को बंद नहीं किया गया, तो वहाँ से भी पानी इतना लीकेज हुआ कि सारे रोड डैमेज हुए। वो जो सारे रोड डैमेज हुए उसमें नुकसान हुआ तो जनता का हुआ, क्योंकि ठेकेदार का तो कुछ नहीं है। और अभी जो ये फिर रोड बन रहा है बिना चेकिंग के, दूसरा प्लस यहाँ पर जो क्रॉस नाली है, इस नाली की व्यवस्थित सफाई नहीं की गई है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।